अक्सर आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखा होगा कि जब हम लोग भोजन बनाते हैं तो पहली रोटी गाय के लिए बनाते हैं और उस रोटी को हम गाय को खिलाते भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये गाय को रोटी हम क्यों खिलाते हैं? सनातन धर्म में गाय को परब्रह्म का प्रतीक माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक गाय में सभी 33 कोटि के देवी देवताओं का निवास रहता है। गाय की सेवा मात्र से समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं और हर संकट को दूर कर देते हैं। गाय की सेवा से घर में खुशियां आती हैं और आप धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार गाय को रोटी खिलाने मात्र से ही दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है और यह भी कहा जाता है कि कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर किसी की जन्म कुंडली में कोई बड़ा दोष है या फिर उसके ग्रह प्रतिकूल हों या वह किसी संकट में है तो वह गाय की सेवा से हर तरह की बुरी स्थिति से टल जाता है और देवी देवता उसकी रक्षा करते हैं। इसी वजह से हिंदू धर्म में बड़े बुजुर्ग और साधु संत गौ माता की सेवा करने के लिए कहते हैं। हमारे घरों में गायों का पालन भी किया जाता है और उनकी नियमित सेवा भी की जाती है। ज्योतिष के मुताबिक अगर आप सही समय पर गौ माता को सिर्फ एक रोटी ही खिला दें तो उसका भी फल मिलता है। हर तरह के कष्ट मिट जाते हैं और सुख शांति आती है। हिंदू धर्म के अनुसार गाय को रोटी पूरे दिन में विशेष मुहूर्त में खिलानी चाहिए। अगर आप इस मुहूर्त में गाय को रोटी खिलाते हैं तो चाहे कैसी ही समस्या क्यों न हो दूर हो जाती है। आइए जानते हैं कि रोटी को खिलाने का सही समय क्या है। राह खराब होने से जीवन में दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं, संतान का सुख नहीं मिलता और परिवार में विपदाएं आती हैं, गरीबी छोड़कर नहीं जाती। ऐसी स्थिति में दोपहर 12 बजे से 7 अलग अलग तरह के अनाज को पीसकर उसकी रोटी या जौ ज्वार से बने आटे की रोटी काली गाय को खिलाते हैं तो हमारे दुख दूर हो जाते हैं। गौशाला में से किसी एक गाय की जिम्मेदारी उठाने से भी कई तरह के संकट दूर हो जाते हैं। अगर कुंडली में सूर्य निर्बल है तो आप रोजाना गाय को साबुत गेहूं खिलाएं। इससे आपका सूर्य मजबूत होगा और बाकी के नौ ग्रह की स्थिति भी अच्छी हो जाती है। सुबह सुबह गाय के दूध से बना मक्खन खाने से शरीर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। इससे राहु और शनि की वजह से कमज़ोर हुआ चंद्रमा अशुभ फल नहीं देता। अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो रात को सोने से पहले गाय का गुनगुना दूध पिएं और सुबह गाय के दूध से बना मक्खन खाएं। अगर गुरु की दशा खराब हो या कमज़ोर हो तो गाय की सेवा और दर्शन से ही बलशाली हो जाता है इंसान। कुंडली में शनि अशुभ हो या साढ़े साथी या फिर ढैया चल रही हो तो काला तिल या उड़द पीस कर उसके गेहूं के आटे में मिलाकर रोटी बनाकर गाय को खिलाने से भी सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं। वैसे आप लोग क्या मानते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय गौ माता।